अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं 2 दिन से वर्चुअल यूनिवर्सिटी के खिलाफ, वर्चुअल यूनिवर्सिटी के रिजल्ट के खिलाफ, आप सबकी कावशों ने, आप सबकी कोशिश ने एक बड़ा कदम लिया है और इस प्रोटेस्ट को कवर अप कर रहा है जो प्रिंट मीडिया है। मैं ये आप सब लोगों को ये खुशखबरी देता चलूं कि प्रिंट मीडिया ने हमारे एहतजाज का रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया है और हमारा ट्रेंड वीडियो रिजल्ट नामंजूर हैशटैग वो ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पर। कल से ये ट्रेंड हमने चलाया है और ये ट्रेंड अभी तक टॉप पे जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। हैशटैग वीडियो रिजल्ट नामंजूर ट्रेंड कर रहा है और मैं आप सबको एक बार फिर खुशखबरी दे दूं कि प्रिंट मीडिया ने हमारी खबर को पिकअप कर लिया है, हमारे एहतजाज को पिकअप कर लिया है और ये एज ए हेडलाइन वो अपने मीडियाज में, अपने अखबार में प्रिंट कर रहे हैं कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने 90-95 स्टूडेंट्स को अपने रिजल्ट में फेल कर दिया है। सवाल यह है कि ना कोई जवाब है ना कोई वजह, इन्होंने फेल कर दिया। अब मेरी बात चल रही है स्ट्रीमिंग मीडिया से कि किसी तरह हमारा ये एहतजाज है, जो स्ट्रीमिंग मीडिया हैं ये भी कवर अप करें ताकि हमारा एहतजाज बड़े पैमाने पर रिकॉर्ड हो। मैं चाह रहा हूँ कि इस रिकॉर्ड को हम लोग ऊपर लेके जाएँ और आप लोगों ने कोशिश करनी है, इसको टॉप पे लेके जाना है। ये जो ट्रेंड हमने चलाया है इसको नीचे नहीं आने देना, आपने इसको बार बार रीट्वीट करते रहना है हैशटैग वीजू रिजल्ट ना मंजूर, ताकि हमारा ये जो रिजल्ट है ये पिकअप करे, जो स्ट्रीमिंग मीडिया है, जो ब्रॉडकास्ट मीडिया है वो भी इसको पिकअप करे और वो अपनी हेडलाइन में ये बात चलाए कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने 95 बच्चों को बिला वजह फेल कर दिया, बगैर किसी जवाब के फेल कर दिया। और अब मैं आऊँगा जो लोग कह रहे हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन के बच्चे पढ़ते नहीं हैं, जैसा पढ़ोगे वैसा ही रिज़ल्ट आएगा, तो मैं उनको बता दूं कि इतना भी कोई नालायक नहीं होता जितना इस बार रिज़ल्ट आया है। चलो मान लिया एक पेपर फेल होता है, लेकिन 6 के 6 पेपर किस तरह फेल हो सकते हैं, 6 के 6 पेपर में डी ग्रेड किस तरह आ सकता है। मुझे इन सवालों के जवाब अगर इनके पास हैं तो वो दें। और जो लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, रिज़ल्ट चेंज नहीं होगा, तो अगर रिज़ल्ट चेंज नहीं होगा तो आपको लग पता जाएगा हम कितनी बड़ी ताकत रखते हैं हम स्टूडेंट्स। हम जाएंगे पीएम ऑफिस, हम जाएंगे अदालत में भी, अगर वहाँ भी जाना पड़ा तो, कि किस तरह इन्होंने ये रिज़ल्ट गंदा दिया है। आप लोगों ने इस ट्रेंड को डाउन नहीं होने देना, टॉप पे रखना है और पूरी कोशिश करें कि किसी तरह ब्रॉडकास्ट मीडिया और स्ट्रीम मीडिया इसको कवर अप करे। और मेरी बात चल रही है कुछ स्ट्रीमिंग मीडिया से, इंशाल्लाह बहुत जल्द वहाँ से भी एक अच्छी खबर आएगी। आप लोग हमारे फेसबुक पेज को ज्वाइन करें, वहाँ हमारे इस कैंपेन का साथ दें, वहाँ जो कुछ हो रहा है उसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये टॉप ट्रेंड बना रहे। आपने इसको डाउन नहीं होने देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।